हेलो गाइस, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल आदिल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फ़ोन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन पे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो कि एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं फ़ोन पे। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। गाइस, फ़ोन पे ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो इस ऐप को ओपन करते हैं। मेरा पासवर्ड डला हुआ, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब आपको जिस मोबाइल नंबर पर फ़ोन पे बनाना है, फ़ोन पे पर अकाउंट बनाना है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ डालते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांग रहा है, परमिशन को अलाउ करते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा। अब आपके सामने ये ऐसा आएगा, अब आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी है। मैं अपनी सिटी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सिटी डाल दी है। अब यहाँ आप लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप अपना फोटो लगा लेते हैं। आप अपना कैमरे से खींच भी सकते हैं और गैलरी से भी चूज़ करते हैं। चलो मैं गैलरी से चूज़ करता हूँ। यहाँ भी ये परमिशन मांग रहे, इसे अलाउ कर देते हैं। मैंने अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है, ये सही है। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। आप यहाँ अपना ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी फिल कर सकते हैं। मैं अपना नाम फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर आप KYC कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, कंप्लीट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या नीर का जॉब कार्ड। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाता हूँ। मैं वोटर आई कार्ड पर नंबर डालता हूँ। जो आपका नाम है वोटर आईडी कार्ड पर वो डालिए।
यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है। अब आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपका जिस भी बैंक में इस नंबर से अकाउंट लिंक हो, इसने मेरी ऑटो सिलेक्ट कर ली। अब मैं डन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आकर अब आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करें। मैं अपने नंबर पर रिचार्ज करता हूँ। यहाँ पर आप अमाउंट भरें। मैंने अमाउंट भर दिया है। यहाँ पर आप अपना ऑपरेटर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप यहाँ जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वो प्रदेश सेलेक्ट कर लें। रिचार्ज पर क्लिक कर दें। अब आपको एक यूपीआई पिन सेट करनी होगी। मैंने ऑलरेडी कर ली है। और यहाँ पर आप अपनी यूपीआई पिन डालें। रिचार्ज ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से आप फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं।